हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में ड्राई स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए या फिर जिनका नॉर्मल स्किन है उनके लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक क्रीम मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को एकदम दूर कर देगा। और अभी ठंडियों में ये क्रीम, ये मॉइस्चराइज़र आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है तो। ऑलरेडी ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स क्रीम में शेयर करती रहती हूँ, पर ड्राई स्किन वालों के लिए मैंने बहुत कम चीज़ें शेयर की हैं। और बहुत सारे ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले मुझसे पूछ रहे थे कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बताइए, क्रीम बताइए, तो आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और शायद उनको ये क्रीम पसंद आए। तो ये जो क्रीम है ये है बायोडर्मा की एटोडर्म अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम। नाम से ही क्लियर है, अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम है, मतलब बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी। और 200 ml का इसका पैक आता है, बहुत सिंपल पैकेजिंग है, ऐसी ट्यूब पैकेजिंग है। और टेक्सचर की बात करूँ तो क्रीमी टेक्सचर है, पर क्रीमी टेक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, एक बहुत ज़्यादा रनी होते हैं। इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मीडियम है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, हैवीनेस नहीं लगेगी इसको लगाने के बाद। और इसमें क्योंकि फ्रेग्रेंस नहीं है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, और एलर्जी वगैरह है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले तो इसको यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसको आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर अगर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, नॉन कॉमेडोजेनिक हो, तो आप इसको अपने बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा। इसके अलावा ये कोई भी क्लेम नहीं करता है कि आपको काले से गोरा बनाएगा, पिंपल दूर करेगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब ठीक करेगा, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम नहीं करता है। साफ साफ इसमें मेंशन है ये सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, मतलब ये अगर आप सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हो, सॉफ्ट बनाना चाहते हो, तब इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्रीम है वैसे तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, पर क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ठंड के अलावा आप गर्मियों में इसको यूज़ करते हैं या किसी और वेदर में अगर ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेगी, और हो सकता है एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके एक्ने वगैरह बढ़ जाएँ, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको ठंड के अलावा यूज़ ना करें। ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो लिस्ट मैं दे दूँगी, इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो यूज़ की गई हैं जो बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेंगी, मॉइस्चराइज करेंगी। ग्लिसरिन है, नियासिनामाइड है, पर नियासिनामाइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि सबसे नीचे इसमें नियासिनामाइड दिया गया है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। ये जो क्रीम है ये आपको 90% तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। इंटरनल हाइड्रेशन के लिए हम जैसे वाटर लेते हैं, ऐसे ही हमारे एक्सटर्नल हाइड्रेशन की भी ज़रूरत होती है, तो ये 90% तक हाइड्रेशन को की कमी को पूरा करेगी, हाइड्रेट करेगी 90% तक। और आफ्टर 24 आवर्स भी ये 20% तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखती है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कि नॉर्मल मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करते हैं वैसे ही करना है, फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई हो जाए अच्छे से, फिर आप इस क्रीम को अच्छे से मसाज करते हुए लगाइए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, जितना सफिशियंट अमाउंट है, छोटा सा मतलब पी साइज़ आप इसको ले लीजिए और अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर करके इसको लगाइए। आप दिन में एक से दो बार इसको बिल्कुल लगा सकते हो, जब भी आपको ड्राइनेस फील हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्रीम आप कि सन से प्रोटेक्शन नहीं करता है, इसलिए आपको SPF दिन में अप्लाई करना पड़ेगा। एज अ नाइट मॉइस्चराइज़र भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। ट्राई करके ज़रूर देखना अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हो तो। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑफलाइन आप किसी भी फार्मेसी से, जनरल स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, पर कई जगह पे ऑनलाइन मैंने रिव्यूज़ देखे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑफलाइन ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन आप नायका से परचेज बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ या इनकी साइट पे ही जाके आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ड्राइनेस से परेशान हो, सेंसिटिव स्किन है, फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, सोप फ्री और पैराबेन फ्री,
नॉन कॉमेडोजेनिक जैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखना। आज का वीडियो पसंद आया हो तो क्या कहना है, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।